गोरखपुर जिले में रविवार को 145 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,047 हो गई है। इनमें से 297 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,333 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1417 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि अगर शहर की बात करें तो 79 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में रविवार को सबसे अधिक 27 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 15, शाहपुर थाना क्षेत्र में 15, कोतवाली में 9, गुलहरिया में 3, चिलवा ताल में 2, रामगढ़ ताल में 4, राजघाट और तिवारीपुर में 2-2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 56 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 13, खोराबार में 10, खजनी में 2, बांसगांव में 1, कैंपियरगंज में 1, पिपराइच में 3, गोला में 5, कौड़ीराम में 6, जंगल कोड़िया में 5, उरवा में 1, सहजनवा में 2, सरदारनगर में 2, पिपरौली में 1, पाली में 1, ब्रह्मपुर में 1, गगहा में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 10 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।